ये घटना 6/5/2016 की है, जिसमें रायगढ़ जिले के ग्राम संबलपुरी के पास स्थित मां शाकंभरी प्लांट को जाने वाले रास्ते पर दो महिलाओं की लाश पाई गई थी और वो महिलाएं अज्ञात थीं, जिसके संबंध में पुलिस ने विवेचना प्रारंभ की और विवेचना में वर्ष 2017 में उन अज्ञात महिलाओं की लाश किसकी है ये जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई। उसके पश्चात पुलिस जांच और आगे प्रारंभ करी तो उसमें पूर्व विधायक अनूप साय विधायकनगर और उसके ड्राइवर हर्षवर्धन टोप्पो के विरुद्ध उक्त घटना के संबंध में संलिप्तता पाई गई। तब पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार करके चालान पेश किया गया वर्ष 2020 में, और उनके ऊपर जो चालान पेश हुआ वो 302, 201, 120B और 34 भदावी का अपराध के तहत चालान पेश किया गया। माननीय न्यायालय में उसका विचारण प्रारंभ हुआ और विचारण के दौरान इस प्रकरण में 50 गवाहों का बयान न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा आज इस प्रकरण में पूर्व विधायक अनूप साय को दोषी पाया और दोषी पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास, 201 में उनको आजीवन कारावास और 120B में 7 साल की सज़ा, साथ ही सभी अपराधों में 5-5 हज़ार रुपये का अर्थदंड से भी दंडित किया गया।